नगर परिषद हमीरपुर ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन दुकानदारों का सामान जब्त किया है, जबकि शहर में गलत जगह पार्क की गई 3 रेड़ियों को भी कब्जे में लिया है। शहर के करीब 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ा गया है ताकि दोबारा पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। नगर परिषद हमीरपुर ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन दुकानदारों का सामान जब्त किया है, जबकि शहर में गलत जगह पार्क की गई 3 रेड़ियों को भी कब्जे में ले लिया है। शहर के करीब 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ा गया है ताकि दोबारा पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि नगर परिषद हमीरपुर ने शहर में एक बार फिर अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के निर्देशानुसार टीम ने शहर का औचक निरीक्षण किया। जो भी दुकानदार नालियों पर सामान सजाए पकड़े गए, उनका सामान जब्त कर लिया गया है। विभाग की कार्रवाई का जैसे ही दुकानदारों व रेड़ी फड़ी धारकों को पता चला तो उन्होंने तुरंत सड़कों व नालियों पर सजाया सामान अंदर समेट लिया ताकि वे कार्रवाई से बच सकें। हालांकि जिन दुकानदारों को कार्रवाई का आवाज नहीं हुआ उनका सामान जब्त कर लिया गया। विभाग की कार्रवाई तहसील परिसर को लेकर अस्पताल चौक, भोटा चौक होते हुए गांधी चौक व सब्जी मंडी इत्यादि में ये कार्रवाई की गई है। यही नहीं, औचक निरीक्षण के दौरान 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है ताकि दोबारा पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि औचक निरीक्षण के उपरांत दुकानदारों ने दोबारा सड़कों व नालियों के ऊपर सामान सजा दिया। सफाई अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि शहर के दुकानदारों व रेडी फड़ी धारकों को बार बार नालियों पर सामान न लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, फिर भी दुकानदार वहीं पर सामान लगा रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए करीब 6 दुकानदारों का सामान जब्त किया गया है, जबकि 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ा गया है। ईओ साहब के निर्देशानुसार आज दिनांक 9/9/2019 को अचानक बाजार का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई जगह पर गलत जगह पर रेड़ियाँ लगी हुई थी। वो 3 रेड़ियाँ उठा कर लाए हैं और 4-5 आदमी का सामान भी उठाया है। लगातार 1 सप्ताह से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कोई भी आदमी नाली पर सामान सजाएगा या रखाएगा उसका सामान वापस नहीं किया जाएगा, वो ही खुद जिम्मेवार होगा। और ये बार बार प्रतिक्रिया चालू है। कितना जुर्माना लगे? अब वो आते हैं, फिर देखते हैं वो यू साहब कितना जुर्माना डालते हैं। आज भी चेतावनी दी गई लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। आज कुछ ऐसे बड़े व्यापारी थे, उन्होंने बड़ी बोरियाँ सामान उतारा हुआ था बाजार में गाड़ियों से, तो उन्होंने सामान आज अंदर कर दिया। सिर्फ बड़े व्यापारियों का सामान क्यों हटाया था? जो नीचे आया था उनका पीछे से पता किया उसका? नहीं, वो थोक वालों का सामान था, वो अंदर कर रहे थे। भेदभाव के गरीबों और अमीरों के साथ इस तरह का साथ नहीं किया जाता है। नगर परिषद किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। नगर परिषद सर कब कर रही है सख्त कार्रवाई, कब से कर रही है सर? ये लगातार ये अभियान चलता ही रहेगा और अनाउंसमेंट जी 2 सप्ताह से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और लोगों से दुकान दुकान पर जाके हस्ताक्षर भी करवाए हैं, नोट भी करवाया है, फिर भी नहीं मानने वालों को उचित कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्या कार्रवाई अब तक हुई है? 15-20 साल पहले पिछले सप्ताह में उठाया गया था। पिछले सप्ताह नहीं, पिछले महीने में। अब 5 आदमी पर 3 रेड़ी उठाई हैं और 5 आदमी का सामान लाए हैं। अभी भी शाम को देखेंगे। नहीं सर, जब हम जाते हैं तो वो बूट वाले सामान लाते हैं, उसके बाद वापस कर देते हैं। क्या कारण है? पैसे वो जुर्माना देते हैं, वो लिख के दोबारा पकड़े जाते हैं तो फिर देते हैं उनका सामान, उनका देते हैं। कार्यक्रम में वक्त चलाए, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।